आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रों श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रों श्री ज्ञानसागराय पंकज सिरना सुमरे मात सरस्वती हम पर हो हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की यह भक्तामर है कौन कथा जिन राज की यह भक्तामर है कौन कथा जिन राज की हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की यह भक्तामर है कौन कथा जिन राज की यह भक्तामर है कौन कथा जिन राज की जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात भोजपुर नाम की एक नगरी है विख्यात भोजपुर नाम की यह तपोभूमि है मान तोंग मुनि राज की यह तपोभूमि है मान तोंग मुनि राज की हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की यह भक्तामर है कौन कथा जिन राज 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 सब वो दृश्य जब आगरे में विधान हुआ था पहली बार आगरे में 48 दिवसीय विधान हुआ था। दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, चार दिन हो गए जब सची इंद्रानी का पाठ होता था तो हमने पांचवें दिन कह दिया, काफी लोगों की संख्या रहती थी। जब आगरे में पांच दिन हो गए, छठवां दिन हुआ तो हमने कहा कि भैया अब आप बोर हो गए होंगे रोजाना सची इंद्रानी का पाठ देखते रहे देखते, तो अब रहने दो कुछ और नया कराते हैं। तो पीछे से महिलाओं की आवाज आई, माता जी हमने नाम ही इसलिए लिखवाए हैं कि हमें सची इंद्राणी का सौभाग्य मिले और 48 नहीं दुगने पाठ दुगने हुए थे। एक एक परिवार से दो दो सची इंद्राणियां मिली थी और जब सची इंद्राणी बनकर के वो मंच पर आती थी प्रस्तुति देती थी तो आंसू झरते थे
आंसू झड़ते थे और जिसका सबसे सुंदर पाठ होता था, जिसका सबसे सुंदर पाठ होता था, अंतरंग से जब आंसू झड़ते थे जैसे ही वो भगवान को देती थी, तो वो कभी कभी तो हमारे पीछे की माला ही ले जाती थी, वो खुद नहीं लेके जाती थी, हमारा मन खुद से कर जाता था उनके दृश्य को देख करके कि यहाँ जब इतना सुंदर दृश्य है तो साक्षात दृश्य होगा, जिसको मिलेगा वहाँ कितना पुण्यशाली जी। तो सबने कहा नहीं माता जी, हमें तो ये पाठ ही करना है इस विधान के निमित्त से, अगर ये चक्र मंडल विधान होता तो एक ही सौ धर्मेंद्र बनता, अगर ये कल्पद्रुम विधान होता तो एक ही सौ धर्मेंद्र बनता, अगर ये शांति विधान होता तो एक ही सौ धर्मेंद्र बनता। यहाँ 48 दिन का विधान है और प्रत्येक दिन विधान अलग अलग है, एक एक काव्य के 56 अर्घ आदि का पूर्णमती माता जी के द्वारा लिखित वो अर्घ, अर्घों के माध्यम से भक्ति की जाएगी, प्रत्येक दिन पूरा विधान होगा, प्रत्येक दिन पूरे 48 अर्घ चढ़ेंगे। प्रवचन में भलाई कटौती हो सकती है लेकिन अर्घों में कटौती नहीं, वो 48 अर्घ ही जो हमारी ऊर्जा पावर को देने वाले हैं। अगर सबसे बड़ा कोई सुरक्षा कवच है तो वो 48 काव्य है, और वो 48 काव्य छूट गए, प्रवचन भी तो वही है, भक्ति भी तो वही है, आराधना भी तो वही है, जिनकी स्तुति करने से ताले टूट गए, जिनके एक बार ध्यान करने से ताले टूट गए, तो आपको तो सची इंद्राणी का सौधर्म इंद्र का सौभाग्य मिल रहा है, और ये सौभाग्य केवल पंच कल्याण में मिलता है, ये सौभाग्य केवल पंच कल्याण में मिलता है। और अब इसकी सीआर में पहुंच चुकी है, क्या आप समझदार हैं? और यहां मैं कहती हूं, हमारी भावना है कि कोई भी ऋषभ बिहार की महिला वंचित ना रह जाए, वो महिला महिला ना रह जाए, वो महिला अपने आप को सची इंद्राणी के रूप में कन्वर्ट कर दे। जब यहां की करेंसी अमेरिका में नहीं चलती, अजय भैया जब आप दिल्ली से बाहर जाते हो, विदेश जाते हो, यहाँ की करेंसी काम करती है भैया? प्रदीप भैया चलती है क्या? चौधर मिंद्र जी यहाँ की करेंसी काम करती है क्या? जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए तुमको करेंसी चेंज करनी पड़ती है, तो मोक्ष जाने के लिए भी नारी का वो सुंदर रूप, सची इंद्राणी का रूप जो धारण कर लेता है, वो मोक्ष की यात्रा भी कर लेता है। और सची इंद्राणी का अगर नारी जब अपने आप को सची इंद्राणी बनने का सौभाग्य जब प्राप्त करती है, तो उसको जीवन की वो खुशियां प्राप्त हो जाती है, जैसा कि हमने आगरे में देखा, जिसको सबसे अच्छा लगता था हम उनको माइक भी देते थे और पूछते थे कि भाभी जी आज बताओ आपके जीवन में आज कैसा अनुभव हुआ, तो उनकी जो प्रस्तुति होती थी आंखों में से अश्रु धारा निकलती थी और कहती थी माता जी हमने एंजॉय बहुत किया, हमने बहुत क्षेत्रों की वंदना की, बहुत विधान किए, लेकिन जो अनुभूति आज सची इंद्राणी की हुई ऐसी अनुभूति कभी नहीं हुई। इतनी महिमा है हमारी, तो उम्र भी छोटी पड़ जाए, महिमा जो भगवान की बतलाई है वही सची इंद्राणी का। 3 दिन तो वंचित रह गए आप लोग, 3 दिन में से एक ही दिन हो पाया, 2 दिन नहीं हो पाया, लेकिन अब ये दृश्य आप लोग चाहते हैं कि डेली हो या आज से ही बंद कर दिया जाए, बताइए?
मिसे भगवान ऋषभ देव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। यहाँ पर ऐसा दिखने के लिए मिलता है कि सारे बीतरागी हैं, ये मौन लेते हैं और हम बोलते हैं। बड़ी अच्छी साधना है ऋषभ बिहार वालों, मौन हमको लेना चाहिए और हमारे मौन का पालन ये लोग बैठे बैठे करते हैं, है ना। चलो हम मौन ले लें, आप बोलना शुरू कर दो। तो मौन की साधना बड़ी अच्छी है। तो बताओ ये पाठ आज करा दें या कल से बंद कर दें, है? प्रवचन का समय मिल जाएगा, देखो 9:15 बज गए, कब प्रवचन होंगे, कब पाठ होगा। जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, पर ये जो पल बीतेंगे ये पल दोबारा कब आएंगे, जब तुम पंच कल्याणक में स्वधर्म इंद्र बनोगे, तब ही ये मौका। देखो तालियां कितनी अच्छी हो गई, वाकई में गजब है। आपके लिए दोनों हाथों से आशीर्वाद है। आपकी मौन साधना भी अच्छी है, बॉडी भी अच्छी है, हिलाते नहीं हो, भक्ति हो तो भी फेविकॉल का जोड़ है, बस वही वही हिलते हो। अरे हिल लो, अपने दिलों को खोल लो, अपने हृदय को खोल लो, नहीं तो डॉक्टर को खोलना पड़ता है। मैं तो कहती हूँ अपने हृदय को खोल लो, ताली बजा के ही खोल लो कम से कम, कि डॉक्टर की आवश्यकता तो नहीं पड़े। और एक बार आवाज निकाल लो, नहीं तो फिर वो निकालेगा डॉक्टर आवाज निकालेगा। तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। चिर दीप्ति करम शुभ दीप कम सकल लोक सुखा कर मुज्वलम, मेरे जाल हरम पिकरम सदा किल धरामि सुमंगल कम मुदा। ओम रीम अज्ञान्त मेर हरम दीपकम स्थापनम करोमि, दीपकम प्रज्वलितम करोमि। देखो अपना आसरा दो, रसमई रस राम ला दो, चिनवाड़ी माँ चिनवाड़ी माँ चिनवाड़ी माँ चिनवाड़ी माँ पाड़ी माँ पाड़ी माँ पाड़ी माँ। देखिए माता जी हमारे सुरलमल से बिहार से आए सुधांशु जी, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ मंगल स्वागत है, स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ दीदी महमा की मंगल स्वागत है। एवं सची भाई आश्चर्य प्रकट करके मेरा सिंहासन कंपायमान हो रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? और स्वधर्म इंद्र अपने आसन से खड़े हो जाते हैं प्रसन्न चित्त मुद्रा में, 7 कदम आगे बढ़ करके वह स्वधर्म इंद्र
नमस्कार करते हैं, अष्टांग नमस्कार करते हैं पूरे लेडे। नमोस्तु आदिनाथ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु ऋषभनाथ, नमोस्तु नाभिनंदनाय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, ये आपका सिंहासन इतना कंपायमान क्यों हो रहा था? आप तो जानती है ना, मैं बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं करता। हे स्वामी, पर यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, आप किसे नमस्कार कर रहे थे? अत्यंत प्रसन्नता की बात है, अयोध्या नगर में महाराज नाभि राय के सर्वतोभद्र महल में महारानी मरु देवी की कोख से आदि तीर्थंकर बालक का जन्म हो। भगवान आदिनाथ की, भगवान आदिनाथ की, महाराज नाभि राय की। देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, वो आज जन्म में है, वो आज जन्म में है सुंदर रंग वाला। इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। ये प्रिय, सारी खुशियां यहीं मनाओगी क्या? अयोध्या नगरी नहीं चलना है, वहाँ उन तीर्थंकर बालक का हम दर्शन करके वहाँ पर भी खुशियाँ मनाएंगे। हे स्वामी, शीघ्र तक कीजिए, मैं अभी आदि कुमार के दर्शन करना चाहती हूँ। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। विराजमान करते हैं धीरे धीरे, हाले हाले बग बग चलती इंद्राणी। ओ इधर उधर वो देख रही है, कब आएगी इंद्राणी। अंतपुर में प्रवेश तो केवल आप ही कर सकती हैं। धीरे होले होले जल्दी आइए और हमें सिंगा वलक के दर्शन करवाइए।